चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 240 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 241 से लेके 250 तक। क्वेश्चन नंबर 241, केन्सियन अर्थशास्त्र में मुद्रा की पूर्ति की संरचना प्रक्रिया होगी। ऑप्शन ए है ब्याज दर के द्वारा, बी है प्रत्यक्ष खरीदारी के द्वारा, सी है धन प्रभाव के कारण और डी है उपभोग प्रभाव के कारण। तो केन्सियन अर्थशास्त्र में मुद्रा की पूर्ति संरचना प्रक्रिया जो होगी वो ब्याज दर के द्वारा होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्याज दर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 242, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का परिणाम होता है। ऑप्शन ए है एलएम वक्र के ढाल में परिवर्तन, बी है एलएम वक्र का दाहिनी ओर विवर्तन, सी है एलएम वक्र का कोई परिवर्तन नहीं और डी है एलएम वक्र का बाईं ओर विवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, एलएम वक्र का दाहिनी ओर विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 243, मुद्रा की सट्टा मांग बढ़ेगी यदि। ऑप्शन ए है प्रतिभूतियों की कीमतों में वृद्धि प्रत्याशित है, बी वस्तुओं की कीमतों में कमी प्रत्याशित है, सी ब्याज दर का स्थिर होना प्रत्याशित है और डी ब्याज दर में वृद्धि होना प्रत्याशित है या ब्याज दर में वृद्धि प्रत्याशित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्याज दर में वृद्धि प्रत्याशित है। क्वेश्चन नंबर 244, फिशर के वी और कैम्ब्रिज समीकरण के मध्य संबंध है। ऑप्शन ए है वी इज इक्वल टू 1/k, ऑप्शन बी है वी इज इक्वल टू 1/1+k, ऑप्शन सी है वी इज इक्वल टू 1+k, ऑप्शन डी है वी इज इक्वल टू 1-k। तो फिशर के वी और कैम्ब्रिज समीकरण के मध्य जो संबंध है वो है वी बराबर 1/k, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है वी इज इक्वल टू 1/k। क्वेश्चन नंबर 245, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में भारतीय रुपए को अधिकृत किया गया है। ऑप्शन ए है यूएस डॉलर से, बी है यूके पाउंड से, सी है यूरो से और डी है मुद्राओं के एक समूह से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुद्राओं के एक समूह से। क्वेश्चन नंबर 246, मुद्रा की तटस्थता का निहितार्थ है कि मुद्रा की पूर्ति में की गई किसी वृद्धि से। ऑप्शन ए है सभी कीमतें उसी अनुपात में बढ़ेंगी, बी है सभी कीमतें विभिन्न अनुपातों में बढ़ेंगी, सी है सभी कीमतें उसी अनुपात में घटेंगी और डी है कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभी कीमतें उसी अनुपात में बढ़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 247, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का निहितार्थ है कि कीमत स्तर में वृद्धि। ऑप्शन ए है उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होगी, बी है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से संबंधित होगी, सी है मुद्रा पूर्ति में कमी से संबंधित होगी और डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से संबंधित होगी। क्वेश्चन नंबर 248, निम्न में से किस एक के साथ तरलता जाल मेल है। ऑप्शन ए है उपभोग फलन, बी है उत्पादन फलन, सी है मुद्रा मांग फलन और डी है श्रम मांग फलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रा मांग फलन। क्वेश्चन नंबर 249, बैंक में जमा उस धनराशि को कहते हैं जिसे पूर्व निर्धारित निश्चित समय अवधि तक आहरित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है सावधि जमा, बी है बचत बैंक खाता, सी है नो फ्रिल खाता और डी है चालू खाता। तो जो सावधि जमा होता है उसको हम पूर्व निर्धारित निश्चित समय अवधि के पहले निकाल नहीं सकते, मतलब आहरित नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सावधि जमा खाता। क्वेश्चन नंबर 250, फिशर के सिद्धांत की आलोचना की गई क्योंकि। ऑप्शन ए है यह मुद्रा की पूर्ति को स्थिर मानकर मुद्रा की मांग पर अधिक जोर देता है, बी यह हमें नहीं बताता कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करता है, सी यह मुद्रा के मूल्य में अल्पकालीन परिवर्तनों का विश्लेषण करता है, डी यह कीमत स्तर पर बहुत अधिक जोर देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह हमें नहीं बताता कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।